तो वीडियो को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था भाई। तो अब तक के लिए मुझे काफ़ी बेहतरीन चीज़ें जो है वो देखने को मिला। अब आगे क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं और आपको दिखाते हैं भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये है भाई, ये सारे अंगूठी के जो पत्थर होते हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे, जो बांस के पत्ते के जो बनाया हुआ है, बांस के लकड़ी के जो बनाया हुआ है वो भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, और ये सारे पत्थर से बनाई गई है। और ये लड़की नहीं भाई, ये लड़की से दूर रहो ये सारी चीजें जो है वो हाथ से बनाई गई। यहाँ पे सेल्फी जोन, ये सेल्फी जोन कैसे हो सकता है भाई? ओके, ये कालीन की कीमत भाई इतना ज्यादा है कसम से, इसके 3,000-4,000 इसकी प्राइस थी। और यहाँ पे इतना बड़ा मेला है, आप इसी से अंदाजा लगाते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिये स्टॉल का नंबर यहाँ पे 15 था, अभी कितना देर में खत्म होता है, कितना स्टॉल हो सकता है, वो दुकानें हो सकती है वो आप देखना और फिर बताना कि कितना लंबा हो सकता है ये चीज। यहाँ पे पर्स भी मौजूद है यहाँ पे और कागज के फूल, एक मिनट आपको दिखाते हैं, पहले आप इधर देखिए, यहाँ पे ये हाथ क्राफ्ट सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मौजूद थी और काफी कमाल की चीजें जो है वो हमें देखने को मिली। सारस मेला का नाम था सारस मेला भाई, काफी बड़ा मेला है और काफी यूनिक मेला है, इस तरह की मेला हमने पहली बार देखी कि मेले में ये सब चीजें भी जो है वो देखने को मिल सकता है। ये लैंप काफी खूबसूरत बनाई गई है यहाँ पे भाई, ये झारखंड की दुकान ये कागज के फूल देखिए, काफी बेहतरीन और काफी खूबसूरत बनाई गई है, सारे के सारे जो है वो कागज से बनाई गई है भाई, कलर वाले कागज से, ये इतना शानदार और इतना बेहतरीन चीज है। सो आपने कभी आई है क्या, आप कभी आए हैं इधर तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई अगर आप आए हैं तो। सारस मेला कोलकाता में लगता है, न्यू टाउन में। ये मेला एवरी टाइम जो है वो अलग अलग जगह में लगते हैं, कभी पार्क सर्कस में लगता है, कभी न्यू टाउन में लगता है, कभी इको पार्क के साइड में लगता है, और कभी कहीं तो कभी कहीं, लेकिन कोलकाता के अंदर ये मेला जो है वो कभी ना कभी जो है वो लगते रहता है एनी टाइम, यानी कि ठंडा के दिन में जो है पूरा ठंडा जो है वो ये मेला कोलकाता में ही रहता है। सो फिलहाल हम बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के बाद एक मेला और है भाई जो लगी हुई है न्यू टाउन में, और आगे तरफ जहाँ पे एक्सिस मॉल है वहाँ पे लगी हुई है, तो हम वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई।